भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब प्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। जब लाठी तोड़ती तो तुम्हारा क्या काम? मेघना जी, वो तो बंदूक फेंक रहा है, ना जाने आप क्या करेगा। कुछ नहीं करेगा, लो दो मुझे। शिशुपाल, तूने ये जो बंदूक फेंकी है ना, ये सिर्फ बंदूक नहीं है, तूने अपनी ताकत फेंकी है, अरे अपना गुरूर फेंका है, याद रखना। मेघना जी, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं आप? बल्कि ये तो खुश होने वाली बात है, ये आपका बेटा बंदूक फेंक रहा है। हर सभ्य समाज को इस बात पर खुश होना चाहिए कि यहां किसी के हाथों से बंदूक फेंकी जा रही है। यही करवाते आए ना आप कि किसी की जमीन पर एक मुट्ठी चावल जाकर छींट देते थे और कहते थे कि शिशुपाल कब्जा कर लो, और मैं आपकी उस बात को मानता था। तो आज मैं इसी तरीके से अपने लिए जमीन लूंगा। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि कल तक यह तरीका मैं दूसरों के साथ अन्याय करने के लिए किया करता था, और आज अपने लिए न्याय करने के लिए करूंगा।
ये जमीन मेरी है। और इतने में मैं रहूंगा, यहां से कोई नहीं हटा सकता है। पर नहीं चाहिए बाकी जमीन जायदाद पैसे कौड़ी खानदान कुछ भी, मगर मैं और मेरी पत्नी श्यामला हम दोनों यही रहेंगे, इसी जगह रहेंगे चाहे जो हो जाए। अरे अगर इतना ही जोश है तो जा सब कुछ छोड़कर, यही क्यों रहना है हा? ताकि अपने बाप से रोज लड़ाई कर सके? नहीं बाबा, ताकि इस आदमी की बातों की सच्चाई आपको दिखा सके। आज तक मैंने भीम को अपने सच के लिए लड़ते देखा है, और लाख कोशिश कर ले कोई भी, मगर भीम अपनी हर लड़ाई जीतता है। और इसकी लड़ाई से मैंने किसी का बुरा होते नहीं देखा है, इसलिए मैं भीम की राह पर चलूंगा। मैं खुद तो नहीं जानता कि भीम जिस राह पर चल रहा है वो कैसी है, मगर उम्मीद करता हूं कि वो राह मेरे लिए भी सही होगी। और मैं भीम की राह पर चलूंगा तो शायद मेरे बाबा को एहसास होगा कि भीमराव सही होगा। भीमराव की जो बातें होती है, इसका जो संघर्ष होता है, शायद आप लोग नहीं देख पाते होंगे, क्योंकि भीमराव यहां से दूर अपने मोहल्ले में रहता है। मैं भी नहीं देख पाता था, मगर अब मैं भी इसी की तरह जीऊंगा और आपके सामने जीऊंगा, ताकि आप सब इसके जीवन को करीब से देख सके। और मुझे देखकर शायद आपको यह एहसास हो पाए कि किसी के संघर्षों की कदर करनी चाहिए, इसलिए यही रहूंगा। मैं यहां से चला गया तो मेरी लड़ाई अधूरी रह जाएगी, इसलिए यही रहकर आप सबके साथ रहकर मैं जब अपने लिए और भीम के लिए लड़ूंगा तो मेरी लड़ाई पूरी होगी। जीत गया तो आप सबको बदल पाऊंगा, और हार गया तो संतोष रहेगा कि मैंने पूरी कोशिश की लड़ने की। वाह, मतलब दो दिन भीम के साथ क्या रह लिए, लड़ाई संघर्ष की बात करने लगे। आपके साथ मिलकर साजिश करने लगता था ना, संगति का भी तो असर होता है ना सेठ जी। तो बाबा, आपके घर के सामने मैं भीमराव की तरह रहूंगा। तो हमारे सामने हमारी सभ्यता, हमारी मान्यता प्रश्न कर रहा है। बस इसीलिए यहां रहना है, ताकि आप सब मुझे अपने जैसा ना समझे और फिर भी मैं जीऊं। ठीक यही आना है ना।
रह, रह तू यहीं। मैं भी देखता हूँ कब तक रह पाता है। देखना, एक दिन मेरे पैरों पे गिर के माफी मांगेगा। इस घर में घुसने की भीख न मांगी ना मुझसे। तो मेरा बिना मेघनाथ नहीं। जाइए भाइयों, इसके साथ क्या करना है मैं देख लूंगा। जाइए आप लोग। और तू भीमराव, सिर्फ तुम्हारे कारण मेरा एक बेटा जेल में है, मेरा दूसरा बेटा मेरे खिलाफ होकर मेरे सामने खड़ा है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दादा, मेरी पत्नी का भाई है भीमराव, तो भीम को खरोच आने से पहले आपको मुझे मारना पड़ेगा। शिशुपाल जी, अपने धर्म और समाज की हिफाजत के लिए हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो इनकी पत्नी मर नहीं गई है, कुछ नहीं होने दूंगी इन्हें। जब तक मैं जिंदा हूं कुछ नहीं होने दूंगी इन्हें। देखिए सब शांत हो जाइए। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं आप सबसे, मेघनाथ जी आपसे भी, इन दोनों को यहां ऐसे बाहर रास्ते पर मत रहने दीजिए। जो भी है, जैसा भी है, अपने घर में रहने दीजिए। और मेघनाथ जी, मैं जानता हूं कि आपका बेटा और आपकी बहू आपसे असहमत है। रिश्ते में असहमति आने का मतलब रिश्ते तोड़ना नहीं होता मेघनाथ जी। भीम, तुम जाओ। हाँ हाँ भीमराव, जाओ जाओ, अब तुम जा सकते हो। तुम्हारा काम हो गया ना, फैसला हो गया, तुम्हारे मुताबिक हो गया, अब मेरे खिलाफ हो गया, यही चाहते थे ना तुम। पर याद रखना, कुछ भी भूला नहीं हूं मैं। गिन गिन के बदला लूंगा, एक एक का हिसाब करूंगा, बस समय आने दो। गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। आज हमारे भीमराव ने शिशुपाल के घर के बाहर खड़े होकर, ऊंचे लोग के बीच में खड़े होकर उन्होंने बताया कि भले समय लगे, जैसे शिशुपाल आज सब कुछ समझा है वैसे आगे भी समझेगा। अब पूरी बात बताइए ना, क्या हुआ है? ये लाठी, यानी कि मैं तेरा पिता, और ये किताब, यानी ये भीमराव। अब चुनाव तुझे करना है, तेरे पिता या ये भीमराव। जब तक लाठी किताब के पास हो तो उस किताब को उठाने का कोई मतलब नहीं है। जब लाठी टूट गई तो किताब को उठा पाया, इसे स्वीकार कर पाया। मेघनाथ जी, वो तो बंदूक फेंक रहा है, ना जाने आप क्या करेगा। मेघनाथ जी, ये तो खुश होने वाली बात है कि आपका बेटा बंदूक फेंक रहा है। इसीलिए तो वो भीमराव अंबेडकर है। एकदम सही कहा दीदी आपने।
सच में आपका भतीजा भीमराव अंबेडकर ही है। तभी तो इस चाल के सारे घर उजाड़ने के बाद बाहर जाकर दूसरे लोगों के घर भी उजाड़ने लगा है। बस कीजिए आई, बस कीजिए। बस आप इतना समझिए कि भीमराव अंबेडकर ने उन ओछे लोगों के बीच अपने विचारों का एक दिया जलाया है और आगे देखिएगा कि कैसे उनके विचार पूरी दुनिया में फैलेंगे। शिशुपाल जी, श्यामला, आप ऐसे बाहर रास्ते पर मत रहिए। अगर आप दोनों को दिक्कत नहीं है तो मेरे साथ चलिए, मेरी चाल में रह लीजिए। नहीं भीम, तुम जाओ। अब समझने की कोशिश कीजिए ना, मैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कह रहा हूं। तो तुम श्यामला को लेते जाओ, मुझे रहने दो, क्योंकि मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम हमारे बीच कैसे रह लेते हो, इसका अनुभव तब होगा जब मैं यहां रहूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप जहां रहेंगे मैं भी वहां ही रहूंगी। श्यामला, तुम समझदार हो, मेरी बात समझने की। मेरी जगह रमा भाभी होती तो क्या वो भी आपके साथ चली जाती? बोलिए। नहीं। तो फिर मैं कैसे आ सकती हूँ आपके साथ? और भीमबाव, आप जाइए, हम दोनों यहाँ देख लेंगे। हाँ बे, तुम जाओ, तुम्हें ऑफिस भी जाना होगा, नहीं जाओगे तो यहाँ की खींच बाहर निकाली जाएगी। संभालिए। अब आप सब लोग भी जा सकते हैं, बस ये याद रखिएगा कि शिशुपाल और श्यामला से मेरा कोई संबंध नहीं है। आप सब इन दोनों से वैसा ही व्यवहार कीजिएगा जैसा उस भीमराव और उन छोटे लोगों से करते हैं। मैं आप सबके सामने इन दोनों को अपने घर, अपने समाज, अपने धर्म से बाहर करता हूं। हाँ हाँ, इसने इसी के लायक काम किया है। हाँ, ये भीमराव की बहन और शिशुपाल ने भीमराव के साथ जो रिश्ता जोड़ा है, इसने बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा किया कि आप सबने मुझे आपसे अलग कर दिया। अब आप सबसे अलग होकर ही मैं भीम जैसा बन पाऊंगा।